हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो इंग्लिश में जो क्वेश्चन होता है स्पॉटिंग एरर का, जो एग्ज़ाम्स में बहुत सारे एग्ज़ाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। सीडीएल का एग्ज़ाम हो, एमटीएस का एग्ज़ाम हो, और भी बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं आपके, जिसमें ये आपके एरर वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो कई लोगों को ये टफ लगता है, लेकिन प्रैक्टिस करके और जो रूल्स होते हैं रूल्स को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करके क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। देखिए, 100% तो मैं किसी चीज़ की गारंटी नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, 80 से 90% क्वेश्चन जो होते हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है इसमें, और बाकी जो रूल्स होते हैं वो हमारे टिक पे होने चाहिए, और जब हम प्रैक्टिस करेंगे तभी वो जो रूल्स होते हैं वो आपको सही आंसर आपका लगवाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत है, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले जो है वो रूल्स हमको कई बार याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये कीवर्ड्स ही मैं यहाँ पर बताऊँगा आप लोगों को। जैसे ए नंबर ऑफ आता है, ठीक है, ए नंबर ऑफ आता है, तो किसी भी सेंटेंस में ए नंबर ऑफ आएगा तो वहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब जो हम यूज़ करते हैं, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी। देखिए, मैं यहाँ पे वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव ये सब बताने नहीं आया हूँ, क्योंकि देखिए, एक जो भी बंदा तैयारी करता है, जो भी स्टूडेंट तैयारी करता है, उसे एटलीस्ट ये चीज़ें तो पता ही होती हैं। तो ये चीज़ें अभी मैं समझाने नहीं जा रहा, मैं यहाँ पे सीधे आपको सारी चीज़ें क्वेश्चंस के थ्रू बताने चल रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, ठीक है, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी ए नंबर ऑफ के साथ ये प्लूरल आएगी। ठीक है, ये हमारी प्लूरल यूज होगी। ठीक है, ए नंबर ऑफ जहाँ पे भी आएगा वहाँ प्लूरल पार्ट यूज होगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज स्टडिंग सीरियसली दीज डेज, नो एरर। तो इसमें ये फाइंड करना है कि एरर कहाँ पे। अब देखिए, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गया है, ठीक है, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारा आ गया। ठीक है, अब देखिए कीवर्ड भी हमारा यहाँ पे है ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो हेल्पिंग में प्लूरल होगी। अब देखिए यहाँ पे इज स्टडिंग सीरियसली डी डे जा, अब देखिए इज है यहाँ पे। ठीक है, अब ये कह रहा है हेल्पिंग में प्लूरल होने, तो इज का तो मतलब है नहीं, तो यहाँ पे प्लूरल क्या होगी, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एरर थी हमारे कौन से पार्ट में थी, बी पार्ट में थी, तो बी हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर स्टडिंग सीरियसली डी डेज। ठीक है, जो जहाँ पे भी कंफ्यूजन होती है तो उन्हीं चीज़ों को मैं साथ साथ में लेके आया हूँ। तो जब आप साथ में लिख के रखेंगे, जब उनके एग्जाम्पल देखेंगे, तब आपकी गलतियाँ जो हैं वो कम होंगी। इसी वजह से मैंने बिल्कुल इससे मिलता जुलता अगला लिया है, द नंबर ऑफ। ठीक है, अब वर्ड है, कीवर्ड द नंबर ऑफ। ठीक है, देखिए द नंबर ऑफ जहाँ पे आएगा वहाँ पे जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वो हमारी सिंगुलर यूज होगी। ठीक है, वो हमारे पे सिंगुलर यूज होगी। ठीक है, अब जैसे ये है, इसको ऐसे कर देते हैं, द नंबर ऑफ प्लेयर्स आर प्लेइंग क्रिकेट, इसमें एरर है या नहीं फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए द नंबर ऑफ प्लेयर्स, ठीक है, द नंबर ऑफ, अब ये हमारे पास कीवर्ड आ गया। ठीक है, द नंबर ऑफ प्लेयर्स, ठीक है, आर प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ रही है, लेकिन हमारे पास रूल क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ अगर कहीं पे भी आता जो हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी वो सिंगुलर होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे इज आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा इज आएगा। ठीक है, द नंबर ऑफ के साथ यहाँ पे हमारा इज आएगा। ठीक है, अगला रूल देखते हैं। देखिए इसके मेरे पास अभी कोई बुक नहीं है, तो मैं एग्जाम्पल बता नहीं सकता इसको। ठीक है, एक ये कॉम्बिनेशन होता है, देखिए आइदर के साथ हमेशा और आएगा और नाइदर के साथ हमेशा नॉर आएगा। ठीक है, आइदर के साथ और आएगा, नाइदर के साथ नॉर आएगा। एग्जाम में कई बार सेंटेंस दे देता है जिसमें, जैसे मान ली कोई सेंटेंस आपका आइदर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उसके एक पार्ट में आगे जाके नॉर दे दिया। ठीक है, तो आइदर के साथ देखिए नॉर तो नहीं आएगा, वहां पर आएगा आपको और। ठीक है, तो उस वाले पार्ट में हमारा जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा कि भैया इस वाले पार्ट में जो है वो हमारी एरर है। ठीक है, तो आइदर के साथ जो है कॉम्बिनेशन और का होता है, नाइदर के साथ ये जो कॉम्बिनेशन होता है वो नॉर का होता है। ठीक है, ये देखिए अगला रूल नंबर 4 देखते हैं। देखिए अंटिल, ठीक है, अंटिल
इसको याद ऐसे कर लीजिए कि जिस पार्क में अंटिल आएगा उसमें नॉट डू नॉट या डिड नॉट नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इस पर जो अंटिल है, ठीक है, जो अंटिल है ये खुद में ही एक निगेटिव वर्ड है। ठीक है, अंटिल को ही हम एक निगेटिव वर्ड मान सकते हैं। तो जब एक किसी पार्ट में एक निगेटिव वर्ड आ गया तो उसको दूसरा निगेटिव वर्ड कैसे क्वालिफाई कर पाएगा। ठीक है, तो ये देखिए अंटिल इस रूल ये हो गया आपका, जिस पार्ट में अंटिल आएगा उसमें नॉट डू नॉट डिड नॉट जो है वो नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब ये जो एग्जाम्पल है वो पढ़ते हैं। वेट हियर अंटिल आई डू नॉट रिटर्न नो एरर। ठीक है, वेट हियर अंटिल आई डू नॉट रिटर्न। अब देखिए इस पार्ट में अंटिल आ गया और डू नॉट आ रहा, तो उसमें डू नॉट नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका जो सही वर्ड आएगा, देखिए वेट हियर तो ऐसा है, वेट हियर अंटिल आई डू नॉट है ये कैंसिल हो जाएगा, एंटिल आई रिटर्न ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, जो कीवर्ड है वो है एस इफ। ठीक है, तो ये जो यूनिवर्सल है, जो एज इफ, जो एज इफ कहीं भी अगर हमारा आएगा उसके साथ जो कॉम्बिनेशन होगा वो वर का होगा। ठीक है, वाज नहीं आएगा, वो वर आएगा। एज इफ के साथ जो है वो वर आना चाहिए। ठीक है, अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ही बिहेव्स एज इफ ही वॉज अ किंग नो एरर। ठीक है, ही बिहेव, देखिए एज इफ आ गया, एज इफ। अब यहाँ पे देखिए वॉज लिख रखा है, लेकिन मैं रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि एज इफ अगर आता है उसका तो वर आना चाहिए, तो ये वॉज नहीं होगा, यहाँ पे जो है ये वर होगा हमारा। ठीक है, ही बिहेव्स एज इफ ही वर अ किंग। ठीक है, अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए सेंट परसेंट, ठीक है, अब कहने को तो ये 100% लग रहा है, लेकिन सेंट परसेंट जैसा कुछ नहीं होता है, जो भी होगा हमारा ये चीज़ सेंट परसेंट जो है वो गलत वर्ड यूज़ होगा, इसलिए अपन वर्ड यूज़ करेंगे 100%, 100%। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है, यू आर नॉट सेंट परसेंट श्योर ऑफ योर सक्सेस इन अ कंपिटेटिव एग्जामिनेशन नो एरर। ठीक है, अब देखिए यू आर नॉट 100% श्योर। ठीक है, अब ये देखिए ये नहीं होगा, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 100%। यू आर नॉट 100% श्योर ऑफ योर सक्सेस इन अ कंपिटेटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, ये देखिए अगला रूल नंबर 7 आ गया है। ठीक है, ये कहता है कि क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, मतलब मेरा यहाँ पे कहने का या लिखने का जो मतलब है ये है कि सबसे पहले अगर कहीं पे क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है आपका जैसे वाई हो गया, व्हाट हो गया, हाउ हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी क्वेश्चन वर्ड कहलाती हैं। ठीक है, अगर कहीं पे भी क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसके बाद में जो चीज़ आएगी वो नाउन वगैरह नहीं होगा आपका, क्वेश्चन वर्ड के बाद जो चीज़ फॉलो होगी वो आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब जैसा आपकी हैज हैव है इज एम आर, ये सब चीज़ें आएंगी। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, द इन्विजिलेटर आस्क्ड हिम डैट वाई ही हैड नॉट ब्रॉट हिस कॉल लेटर या नो एरर। ठीक है, वैसे तो इसमें शायद दो एरर हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम बाद चीज़ें देखी हैं। तो मेन मकसद जो इस रूल को बताने का वो मैं बता ही रहा हूँ, साथ में एक और मेरे को एरर लग रहा है वो मैं अभी बोल बता देता हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में कह के बता दीजिएगा। ठीक है, द इन्विजिलेटर आस्क्ड हिम दैट व्हाई ही हैड नॉट ब्रॉट हिज कॉल लेटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे आ गया, अब ये देखिए ही हैड नॉट आ रहा है, अब देखिए क्वेश्चन वर्ड के बाद यहाँ पे ये देखिए नाउन आ रहा है। ठीक है, अब नाउन तो आना नहीं चाहिए रूल के हिसाब से। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, हैड इधर आएगा, ही इधर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहली चीज तो कि वाई हैड
नॉट, आगे जो भी सेंटेंस, नॉट ब्रॉट हिज फॉर लेटर, ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड के बाद जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जैसे कहीं भी क्वेश्चन वर्ड आता है उसके पहले जो है वो डेट नहीं आना चाहिए, ठीक है, तो ये भी एक एरर है आपकी, ठीक है। तो द इम्यूलेटर आस्क्ड हिम व्हाई हैड ही नॉट ब्रॉट हिज कॉल लेटर, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, प्रीफर सीनियर जूनियर, अगर ये वर्ड कहीं पे भी आते हैं, प्रीफर सीनियर जूनियर, ठीक है, तो क्वेश्चन में जनरली देन देता है, तो देन जनरली गलत होता है, कुछ और भी दे सकता है, लेकिन इसके स्थान पर जो है वो टू सही होता है, ठीक है। अब जैसे ये लिखा हुआ है कि आई प्रीफर कॉफी देन कोक, ठीक है, तो इसका होगा आई प्रीफर कॉफी टू कोक, ठीक है, तो इस वाले पार्ट में हमारी एरर थी, ठीक है। अगला देखिए, रूल नंबर 9 कहता है कि लेस्ट, ठीक है, लेस्ट के साथ जो आता है हमारे पास कॉम्बिनेशन जिस वर्ड का होता है, लेस्ट के साथ जो आता है हमारा, ये शुड होना चाहिए, ठीक है। लेस्ट अगर कहीं भी आता है तो उसके अगले कहीं ना कहीं दूसरे पार्ट में जो है शुड आना चाहिए, ठीक है। अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं, वर्क हार्ड लेस्ट यू माइट फेल, मतलब कि कठिन परिश्रम करो वरना तुम जो है फेल हो जाओगे, ठीक है। तो अब देखिए, वर्क हार्ड लेस्ट आ गया, लेस्ट हमारे यहाँ पे भी रूल में भी है, यू माइट फेल, देखिए माइट वाले में गलती है, माइट की जगह पे हमारा यहाँ पे शुड होना चाहिए, ठीक है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, ठीक है। देखिए अगला रूल है, रूल नंबर 10, कीवर्ड्स है इसमें हार्डली और स्कार्सली, ठीक है, हार्डली और स्कार्सली। देखिए जहाँ पे भी हार्डली और स्कार्सली आएगा एक पार्ट में, वहां पे दूसरे पार्ट में जो है वो वहां पे वैन होना चाहिए, ठीक है। तो जहाँ पे भी हार्डली और स्कार्सली आएगा वहां पे आपका वैन होना चाहिए, ठीक है। अब सेंटेंस देखते हैं, स्कार्सली हैड ही अराइव देन ही हैड टू लीव अगेन, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, स्कार्सली हैड ही अराइव देन ही हैड टू लीव अगेन, ठीक है। इसको ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, आगे नो एरर, ठीक है। आप बताइए कौन से पार्ट में एरर होगा, ठीक है। आप देखिए स्कार्सली आ गया, ठीक है, अब यहाँ पे स्कार्सली आया है, अब फॉलो किसके साथ होना चाहिए, वैन के साथ, देखिए लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, ये देन आ रहा है, तो इसके स्थान पे हम यहाँ पे वैन लगा देंगे, ठीक है। स्कार्सली हार्डली और स्कार्सली रिलेटेड एक और रूल है, मैं वो भी बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हार्डली और स्कार्सली एक और रूल है, जहाँ पे भी ये आपके हार्डली और स्कार्सली होंगे, ये आपके निगेटिव वर्ड होते हैं, मतलब ये आपका एक निगेटिव वर्ड अगर मान के चलें, तो देखिए कि अगर यहाँ पे एक निगेटिव वर्ड है और सेंटेंस में भी अगर कहीं पे बीच में निगेटिव वर्ड आता है तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पहले ही निगेटिव है, ठीक है। जैसे अगर मैं ऐसी सेंटेंस में अगर एक मान के चलूँ, मतलब ये समझ लीजिए कि अगर यहाँ पे कहीं पे भी हार्डली और स्कार्सली आता है तो मतलब जो भी हमारा सेंटेंस होगा उसके किसी अदर, जो भी दूसरा पार्ट होगा अदर पार्ट में, क्या कहते हैं, कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड नहीं आना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर एक पार्ट में हार्डली स्कार्सली है तो दूसरे पार्ट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अब देखिए जैसा कि यहाँ पर मान लीजिए कि ये देन की जगह पे अगर मैं इसको यहाँ पे वैन कर दूँ, ठीक है, स्कार्डली हैड ही अराइव व्हेन ही हैड, यहाँ पे देखिए अगर नॉट टू लीव अगेन कर दिया जाता तो इस वाले पार्ट में जो है वो एरर आ जाती है हमारी, ठीक है। तो मतलब ये कि हार्डली स्कार्डली किसी पार्ट में आ जाए तो दूसरे पार्ट में अगर कोई नेगेटिव वर्ड आता है तो एरर वहीं पे हो जाएगी, ठीक है। और रूल ये आपका सिंपल सा है कि इसके साथ जो कॉम्बिनेशन होगा वो वैन का होगा, ठीक है। अब दूसरा वर्ड, अगला रूल देखते हैं, देखिए नथिंग एल्स लिखा हुआ है, ठीक है, नथिंग एल्स के साथ जो कॉम्बिनेशन होता है वो बट का होता है, देख अगर किसी पार्ट में, एक पार्ट में नथिंग एल्स आता है तो दूसरे पार्ट में जो आएगा वो बट आएगा, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं, आई एट नथिंग
एल्स देन फ्रूट्स, ठीक है, आई एट नथिंग एल्स देन फ्रूट, ठीक है, नथिंग एल्स यहाँ पे आ गया, अभी फॉलो क्या कर रहा है, देन आ रहा है, यानी देन नहीं होना चाहिए, देन की जगह पे जो होना चाहिए ये बट होना चाहिए, ठीक है, आई एट नथिंग एल्स बट फ्रूट्स, ठीक है, ये काफ़ी फेमस है, ये जो तीनों के तीनों रूल्स हैं एग्जाम में बहुत 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं सीजीएल वगैरह में मिल जाते हैं, हो सकता है इससे ज़्यादा भी मिलते हो, लेकिन 2 से 3 आपके क्वेश्चन इन दोनों तीनों रूलों पे आपको मिल जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं और हर एग्जाम में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन इसमें आते ही हैं, अगर किसी में आपका ग्रामर का पार्ट आता है तो ये दोनों रूल्स बिल्कुल स्टार वाले हैं, आने ही आने लगभग, ठीक है। अब देखिए जो जैसे ये नो सुनर है, ठीक है, नो सुनर जो फॉलो करता है वो देन को फॉलो करता है, मतलब एक पार्ट में अगर नो सुनर आता है तो दूसरे पार्ट में जो है वो देन आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए पढ़ते हैं, नो सुनर हैड वी रीच्ड स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, नो सुनर हैड वी रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, ठीक है। अब देखिए नो सुनर तो आ गया एक पार्ट में, ठीक है, अब देखिए आगे पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे वेन आ रहा है, लेकिन हमारा रूल क्या कहता है कि जहाँ पे नो सुनर है वहाँ पे देन आना चाहिए, ठीक है, तो वेन की जगह पे ये देन आता है, ठीक है। तो होप सो कि आपको ये सारे के सारे रूल्स जो हैं वो समझ में आए होंगे, ठीक है, बाकी आगे मैं इम्प्रूवमेंट और करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अगर इस तरीके के वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो कृपया इनको लाइक करिए, शेयर करिए, और इनसे मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और भी ऐसे वीडियोस तैयार करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।